हमारी बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में रहने वाले 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो 100 ट्रिलियन का नंबर है वो सिर्फ एक व्यक्ति में होता है। तो आप ही काउंट करो टोटल बैक्टीरियाज का नंबर इंडिया का कितना होगा। मैं और मेरा कैलकुलेटर दोनों ही सक्षम नहीं है इस काम के लिए। 1,07,37,418 रुपए और 23 नए पैसे। The point that I'm trying to make is they are literally everywhere. On your skin, in your mouth, in your lungs, and more importantly, your gastrointestinal tract या फिर gut. This ecosystem is called human microbiome, जहाँ humans और bacterias साथ मिलके रहते हैं. This is called coexisting with other species या फिर mutual relationship between the species, जहाँ दोनों का फायदा हो। But एक जगह जहाँ ये बैलेंस बिगड़ जाता है वो होती है हमारी गट, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड वीकन इम्यून सिस्टम। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, प्री और प्रोबायोटिक्स का क्या रोल होता है हमारे गट बैक्टीरिया को ठीक रखने में, और कौन कौन से प्रोबायोटिक्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर नेचुरली अवेलेबल प्रोबायोटिक्स या फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड राइट टिल द एंड। एंड सेकेंडली, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विद यू गाइज अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पहले हेल्थ पे। एज वी वर डिस्कसिंग, माइक्रोब्स के इम्बेलेंस से आपके गट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आसान शब्दों में बताऊं तो जब गुड बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कम हो जाए बैड बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे गुड बैक्टीरियाज कम हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे अपसेट स्टमक, शुगर क्रेविंग्स, अनइंटेंशनल वेट लॉस, फटीग यानी थकान, स्किन इरिटेशन, या फिर आपको डिफिकल्टी होगी कुछ फूड्स को डाइजेस्ट करने में। इफ एनी ऑफ दीज साइंस अकर, इट मींस दैट योर गट माइक्रोबायोटा इज गेटिंग हाईजैक। और 5 रीजंस हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहला, कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। अगर आप व्हाइट शुगर, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता, पिज्जा, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस मींस दैट योर गुड बैक्टीरिया इज गेटिंग किल्ड। सेकेंड इन लाइन इज कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड इज स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी। फोर्थ इज नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। एंड फिफ्थ इज इफ यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स। सो नाउ वी अंडरस्टैंड बैड गट माइक्रोबायोटा के क्या रीजंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ईटिंग अ हेल्दी डाइट और अ डाइट व्हिच इज रिच इन प्रीबायोटिक्स। सो प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स आर नथिंग बट फूड्स व्हिच आर रिच इन फाइबर दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड टिल द टाइम दे रीच योर लार्ज इंटेस्टाइन, व्हिच इज अ प्लेस फॉर गट माइक्रोबायोटा, जहां पे वो गुड बैक्टीरिया की एक्टिविटी और ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। और अगर आप अच्छे समय तक फाइबर रिच डाइट लो, जैसे whole grains, lentils, beans, fruits and vegetables, तो ये आपका gut microbiota का composition change करने में भी सक्षम है। And lastly, we have probiotics, एक interesting topic of research, जहाँ पे पिछले 20-30 सालों में काफी अच्छी research हुई है और findings हुई हैं, कुछ interesting discoveries भी हुई हैं, और I'm sure आप में से काफी लोग इसका सेवन करते भी होंगे, या फिर food के माध्यम से या फिर supplements के माध्यम से। तो probiotics actual में है क्या? According to World Health Organization, probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host. इसका मतलब है ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव जिनका अगर पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाए तो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अगर पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाए। खैर, इस पे भी आते हैं थोड़े समय में। हालांकि प्रोबायोटिक्स को एकदम सेफ माना जाता है, लेकिन कई केसेस में साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, स्पेशली इन पीपल विद इम्यूनो डेफिशिएंसी, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, कार्डियक वॉल्व डिजीज, या फिर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। एंड मोर ओवर, मोस्ट ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम्ड बाय प्रोबायोटिक मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। हाउएवर, कई सारे केसेस में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी गई हैं, जैसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ट्रैवलर्स डायरिया इन एडल्ट्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर एक पर आता है स्ट्रेन्स, की किस तरीके का स्ट्रेन या फिर स्पीशीज का इस्तेमाल हुआ है। जो सबसे ज्यादा रिसर्च या पॉपुलर स्ट्रेन्स हैं वो हैं लैक्टोबैसिलस या बायोफाइडोबैक्टीरियम,
दूसरे नंबर पर आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। यूजुअली 1 to 10 billion कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स आर कंसिडर्ड टू शो एनी विजिबल इम्पैक्ट इन द गट। और तीसरे नंबर पे अगर एडिक्वेट CFUs हैं भी तो उनमें से कितनी सारी स्टमक के एसिड्स या फिर जूसेस को सर्वाइव कर सकती हैं टू फाइनली मेक इट टू द लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे उनका असली काम शुरू होता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको अपनी गट हेल्थ फिक्स करनी है तो उसके लिए हमारे पास में 3 उपाय हैं। सबसे पहले आपको रिफाइंड कार्ब्स बंद करके फाइबर रिच फूड्स खाने होंगे विच विल एक्ट एज अ फीड फॉर गट माइक्रोबिया विच विल प्ले अ मेजर रोल इन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरियाज। सेकेंड इज कंज्यूमिंग फर्मेंटेड फूड्स विच आर रिच इन प्रोबायोटिक्स। फर्स्ट इज होममेड कर्ड विच इज मेड फ्रॉम कर्ड कल्चर या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेकेंड इज होममेड बटर मिल्क एंड थर्ड इज होममेड पिकल विच इज लेफ्ट टू बी फर्मेंटेड इन सन यूजिंग देयर ओन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑल्दो लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट्स फॉर दीज होममेड प्रोबायोटिक्स फॉर फिक्सिंग गट हेल्थ बट इन सारे होममेड प्रोबायोटिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है इन फिक्सिंग आवर डाइजेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। एंड लास्टली अगर आप मार्केट में उपलब्ध प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जस्ट नो दिस दैट दीज प्रोबायोटिक्स हैव शोन सम पॉजिटिव साइंस इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, ट्रेवलर्स डायरिया इन अडल्ट्स विच इज ऑल्सो अ कॉमन कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड लास्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस। बट नन ऑफ दीज प्रोबायोटिक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट have either been approved by Food and Drug Administration due to lack of scientific evidence. So just a quick recap, आज हमने सीखा कि human microbiome ecosystem क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारी गट को प्रोटेक्ट करने का गुड और बैड बैक्टीरियाज का क्या रोल होता है, किस सिचुएशंस में हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज की कमी आती है और बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, क्या साइंस और रीजंस होते हैं। फिर हमने बात करी सॉल्यूशंस के बारे में जहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रीबायोटिक्स क्या हैं, क्यों खाना चाहिए उनको गट हेल्थ के लिए, और फिर हमने बात की प्रोबायोटिक्स के लिए। प्रोबायोटिक्स में वी टॉक्ड अबाउट द सप्लीमेंट्स दैट आर देयर, द फर्मेंटेड फूड्स और या फिर प्रोबायोटिक फूड्स विच आर होममेड। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर एंड मोर पीपल लुकिंग आउट फॉर सिमिलर इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक जरूरी चीज जो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको बोली थी, तो एक छोटी सी हेल्प मुझे आप लोगों से और चाहिए। सो हमने एक छोटी सी डेडलाइन सेट की है ऑफ रीचिंग 1000 सब्सक्राइबर्स टिल 1st of December 2020। So we still have about 25-26 days and all I'm asking for is a little support from your end, a little more sharing from your end so that our content reaches out to more number of people and eventually hamare subscriber count bhi increase ho. So with that, I really thank you once again for your time and I'll see you in the next video.